अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, जहाँ बात होती है स्किन केयर की, ग्रूमिंग की, डीआईवाई और हेयर केयर की। तो आज की वीडियो में बात होने वाली है लिप्स के बारे में कि कैसे हम अपने लिप्स को प्लम्पी, सॉफ्ट एंड स्मूथ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। अच्छा, बात अगर केमिकल प्रोडक्ट्स की जाए तो इन माय ओपिनियन ये भी एक मेन रीजन है लिप्स के डार्क, डिसकलर्ड और ड्राई होने का, कि जब हम डेली बेसिस पे लिपस्टिक, लिप टिंट और लिप स्टेन्स यूज करने लग जाते हैं तो अपेरेंटली लुक बहुत चेंज हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ इन प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स होते हैं वो भी हमारी स्किन को, हमारे लिप्स को डैमेज कर रहे होते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी डाइट हेल्दी डाइट नहीं है, प्रॉपर नहीं, तो उससे क्या होता है, वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर ड्राई कोल्ड वेदर होता है जैसे अब है, और समटाइम्स जब वाटर इनटेक हम कम कर देते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और एज अ रिजल्ट हमारे लिप्स बहुत ड्राई, चैप दिखने लगता है। ओके, नाउ प्रॉब्लम और उसके कॉजेस पे तो बात हो गई है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, वो भी सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ एक डीआईवाई टिंटेड लिप स्क्रब विद ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट। इस लिप स्क्रब के बाद लिपस्टिक तो बाय बाय, नो नीड फॉर लिपस्टिक, क्योंकि लिप्स नेचुरली बहुत पिगमेंटेड सॉफ्ट हो गए होंगे। बस लिप बाम लगाएं या सिंपली अप्लाई सम वैसलीन एंड यू आर रेडी टू रॉक। ऑलराइट, इस स्क्रब को बनाने के लिए यू विल नीड 3 टीस्पून शुगर। शुगर एक बहुत ही जबरदस्त एक्सफोलिएटर, क्योंकि जो शुगर ग्रैन्यूल्स होते हैं वो डेड स्किन को रिमूव करते हैं, क्लियर करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे लिप्स बहुत सॉफ्ट स्मूथ हो जाते हैं। नेक्स्ट आई एम गोना ऐड हाफ अ टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट रखता है। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन में ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि डार्क और डिसकलर्ड लिप्स को ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। तो लेमन गुड है, बेस्ट है। फाइनली मैं ऐड करूंगी 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ रेड फूड कलर और सिंपली मिक्स इट एंड योर ओन डीआईवाई टिंटेड लिप स्क्रब इज रेडी टू यूज। इस लिप स्क्रब को आप 2 वीक्स तक स्टोर कर सकते हैं। So that's the end of today's video. I hope you guys really enjoyed it, and if you did, give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more videos like this one.